इस साल 6,500 इंडियन करोड़पति ने इंडिया छोड़ दिया है, पर क्यों? चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर पे है जहां के करोड़पति हमेशा के लिए देश छोड़ देते हैं। 2022 में ये नंबर 7,500 था और पिछले 5 साल में 48,500 मिलियनर्स ने इंडिया छोड़ दिया है। तो क्यों इंडियन करोड़पति इंडिया छोड़ रहे हैं, इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारी गवर्नमेंट को इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इन सब सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। हेनलीज एंड पार्टनर्स ने एस्टिमेट करा है कि इस साल 6,500 HNIs भारत छोड़ देंगे और 2018 से 2022 के बीच में 48,500 HNIs ने ऑलरेडी इंडिया छोड़ दिया है। HNIs वो इंडिविजुअल है जिनके नेटवर्थ $1 million से ज़्यादा है, यानी कि 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा। पर ये लोग इंडिया छोड़कर जाते कहाँ हैं? उनकी फेवरेट कंट्रीज़ है ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और UAE। पर जिस देश में इन्होंने जन्म लिया है वही देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं? पहला रीज़न है टैक्स बेनिफिट। सबसे मेन रीज़न है HNIs माइग्रेट का और वो है टैक्स। इंडियन टैक्स सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बाकी कंट्रीज से ज़्यादा है। 30% टैक्स प्लस सरचार्ज को मिलाकर टैक्स रेट 47.74% तक बढ़ जाता है। इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। आप अगर 100 रुपये कमाते हो उसमें से 40 रुपये सरकार को देना पड़ेगा, तो क्या आप दोगे? वही बाकी कंट्रीज में बिजनेसेस को टैक्स में बहुत रिलीफ मिलता है, खासकर बिजनेस के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, जो है दूसरा रीज़न, ईज ऑफ बिजनेस। इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट आने वाले सालों में टॉप 10 में गिनी जाएगी, पर तब भी ये काफ़ी नहीं है दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले। और इसका मेन रीज़न है करप्शन। अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है तो उसे टैक्सेस से रिलेटेड 8 प्रायर क्लियरेंस, एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन से रिलेटेड 5 क्लियरेंस और बहुत सारा प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्लियरेंस कराना होता है। इन सब चीज़ों में रिश्वत के साथ साथ हजारों पेपर वर्क करवाना पड़ता है। और सिर्फ यही नहीं, कंस्ट्रक्शन परमिट, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट करवाने में रिश्वत देने के बाद भी डिले होता है, जबकि ये सब दूसरी कंट्रीज में नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए जल्दी परमिशन देती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है, इनफैक्ट करप्शन भी बहुत कम है। इन सब चीज़ों के साथ साथ दूसरी कंट्रीज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बेटर है, जो कि है तीसरा रीज़न। हमारा देश एक डेवलपिंग देश है, लेकिन अब तक उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट डेवलप नहीं हुआ है जितना हमारी सरकार ने वादा करा था। बट बाहर के देशों में इन सब तरह की फैसिलिटी है, वहाँ पर ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल है, वो सारी चीज़ें हैं जो HNIs को चाहिए। इनफैक्ट एक सर्वे से पता चला कि जो बच्चे इंडिया के बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनमें से 80% वापस नहीं आते। और सिर्फ इंडियन मिलियनर्स ही नहीं, बल्कि लो इनकम इंडिविजुअल जो कि USA, कनाडा, UK, दुबई जैसे देश जाते हैं काम करने, अपने फैमिलीज को भी ले जाते हैं। जिस कंट्री में मिलियनर्स माइग्रेट करते हैं वो कंट्री भी चाहती है मिलियनर्स उनकी कंट्री में आए, क्योंकि मिलियनर्स अपने साथ लाएंगे बिजनेस और वो कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे जिससे उनकी GDP बढ़ेगी। और मिलियनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इजी वीज़ा रूट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि USAB5 वीज़ा, इमिग्रेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, ग्रीन कार्ड लेने का आसान तरीका जिसमें इमिग्रेंट को $8,00,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सेम UAE गोल्डन वीज़ा जिसमें $5,50,000 इन्वेस्ट करने से 10 साल के लिए ग्रीन कार्ड दे दिया जाता है। साथ ही साथ पॉर्चुगल गोल्डन रेसिडेंट प्रोग्राम, ऑस्ट्रेलिया सिटीजन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, कनाडा का स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम और भी बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट किया जाता है। बट इन HNIs का देश छोड़ना इंडिया के इकोनॉमी में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? हेनलीज एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के माने तो इंडियन इकोनॉमी में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में इंडियन मिलियनर्स की नंबर 47% तक बढ़ जाएगा। पर क्या सच में इससे इंडियन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आई थिंक पड़ेगा, क्योंकि मिलियनर्स अपने बिजनेस के थ्रू हमें एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अगर ये बाहर शिफ्ट हो जाएंगे तो अपना बिजनेस इंडिया में कम कर देंगे, जिससे हमें फ़र्क पड़ेगा, साथ ही साथ इंडिया की GDP में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे HNIs माइग्रेट की रेट कम हो जाए? पहला, रिड्यूस टैक्स। गवर्नमेंट को टैक्स में थोड़ी सब्सिडी देनी चाहिए, जिसे खासकर बिजनेस जो अभी ग्रोइंग स्टेज में है। दूसरा, ईज ऑफ बिजनेस। इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत का प्रोपागेंडा तो चलाया है,
लेकिन जब बात बिजनेस को स्केल करने की आती है तो इतना सारा पेपर वर्क और रिस्ट्रिक्शन लगाकर हमें फॉरेन के प्रोडक्ट को खरीदने में मजबूर कर रही है। इंडिया दुनिया के लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में थर्ड पोजीशन में है, जहां पर पिछले साल इंडिया ने 107 स्टार्टअप में यूनिकॉर्न बनी पूरे $340 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ। लेकिन इनमें से बहुत सारा स्टार्टअप यूएसए, सिंगापुर और बाकी कंट्रीज में शिफ्ट हो गया है। तीसरा, बेटर लिविंग एनवायरनमेंट। हमारा देश एक डेवलपिंग देश है, यहाँ पर रोड, हॉस्पिटल लगातार बन और अपग्रेड हो रही है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम वही पुराना है। उसे भी चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे लोगों को बाहर जाकर पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े और यहीं पर पढ़कर प्रोफेशनल जॉब और स्टार्टअप खोले। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।